हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है तो चलिए देख लेते हैं लव करियर से रिलेटेड ओवरऑल जनवरी फरवरी मार्च 2023 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। तो फर्स्ट हम जनवरी मंथ का कार्ड निकालेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अब हम फेब्रुअरी मंथ का कार्ड निकालेंगे। टू ऑफ वंड्स। मार्च मंथ का कार्ड निकालेंगे अभी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। पॉजिटिव रहे, द हैंग्ड मैन। Nine of Cups, Temperance, Three of Swords, Mother of Cups, The Hermit। तो बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में आया है एस ऑफ वांड्स। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं जनवरी फरवरी और मार्च मंथ के अंदर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस टाइम पर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये हैंड टू हैंड ही मिल जाएगा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और इस टाइम पर ओवरऑल आपको एक रिटर्न मिलने वाला है। आपने अगर कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको इस टाइम पर रिटर्न मिलने वाला है। और आपके दिमाग में इस टाइम पर बहुत सारे न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं, जिससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिख रहे हो। तो ये बॉटम ऑफ द डेक है और यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं और यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं। तो सारे राशि ही दिख रहे हैं मुझे। तो जनवरी मंथ में आपके लिए आ गया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ चीज़ें अगर आपने पहले कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका रिटर्न आपको इस टाइम पर मिलने वाला है। ये कुछ भी हो सकता है, आपका टाइम हो सकता है, आपने कहीं पर अगर मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर आपका इमोशन हो सकता है। आप शायद किसी पर अपना इमोशन इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है, आपको इस टाइम पर रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आया है नाइन ऑफ कप्स। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो अपने रिटर्न से और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर, इस रिटर्न को, इस अचीवमेंट को। आपके दिलो दिमाग में इस टाइम पर एक सुकून रहेगा, एक शांति रहेगा। और यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आप अपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो खुद को। जो भी हो रहा है आप अपने मन से सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर आप एक मिरर की तरह बिहेव करने वाले हो। जो आपसे जैसा बिहेव करेगा उसको आप वही रिटर्न करने वाले हो। हम जनवरी मंथ का रीडिंग डिटेल में कुछ ही दिनों में देखेंगे। सो यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ ओवरऑल जनवरी मंथ में आपको क्या मिलने वाला है। और इस टाइम पर देख लेते हैं, यानी फरवरी मंथ में आपके लिए आ गया है टू ऑफ वंड्स। यानी इस टाइम पर आप एक दो राहों पे खड़े हुए दिख रहे हो। आपके सामने सक्सेस तो आएगी, यानी फरवरी मंथ में आपको कुछ सक्सेस तो मिलती हुई दिख रही है, पर इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हो कि आपको किस पैथ में जाना चाहिए। एक पैथ आपके सामने होगा जो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगा,
और एक पैथ आपके सामने होगा जो बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो आप इस चीज़ के ऊपर ही सोचते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आ गया है आपके लिए टेम्परेंस और यहाँ पर है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ से तो मुझे यही दिख रही है कि जुपिटर के गोचर से आपको इस टाइम पर अच्छा फल मिलता हुआ दिख रहा है, यानी अंधेरे में आपको अचानक से लाइट दिख जाएगी, होपलेस जगह पर आपको होप दिख जाएगी। यानी आप अगर गलत पैथ में भी जाना चाहोगे तो इस टाइम पर भगवान की ब्लेसिंग्स के द्वारा अच्छा फल मिलती हुई दिख रही है। और यहाँ पर आए हैं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप देख सकते हो इस टाइम पर एक लव ट्रायंगल बनती हुई दिख रही है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, या फिर आप शादीशुदा हो, या फिर आप किसी को प्यार करते हो, आपका कोई क्रश है, तो आप दोनों के बीच में कोई एक थर्ड पर्सन एंटर करने की कोशिश कर सकता है फेब्रुअरी मंथ में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सचेतन रहना है। और अगर आप किसी चीज़ का फल फेब्रुअरी मंथ में पाना चाहोगे तो आपको इस टाइम पर ये फल, ये रिज़ल्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। तो कुछ ब्लॉकेजेस इस टाइम पर क्रिएट होने वाला है, तो इसीलिए आपको फेब्रुअरी मंथ में ये आउटकम नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मार्च मंथ में क्या होने वाला है। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पर आपके मन में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती हुई दिख रही है मुझे। आपके मन में इस टाइम पर करेज बनी हुई रहेगी और आप इस टाइम पर एक लीडर की तरह बिहेव करने वाले हो। आप सभी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली बातें करने वाले हो और मैटरियलिस्टिक चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो मार्च मंथ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर है द हर्मिट, यानी इस टाइम पर बुध के गोचर से आपको धन दौलत प्राप्त हो सकता है। यानी इस टाइम पर एक योग बनती हुई दिख रही है। आपको इस टाइम पर कहीं से एक बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है, यानी एक बिग अमाउंट ऑफ मनी मिल सकता है, आपका लॉटरी निकल सकता है, या फिर आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, आपके काम में उन्नति हो सकता है, या फिर आपका जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ हो सकता है। आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका सैलरी इंक्रीज हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर आपका कोई रुका हुआ पैसा है तो वो भी इस टाइम पर आपको मिलती हुई दिख रही है। और यहाँ पर है मदर ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपको बुध के गोचर से ही बहुत ज़्यादा शांति मिलती हुई दिख रही है। एक मेंटल और एक स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन आपको इस टाइम पर मिलेगा, यानी मार्च मंथ में। आप किसी को इस टाइम पर कोई ऑफ़र कर सकते हो, या फिर आपको कोई एक ऑफ़र अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जिससे आप कुछ नया स्टार्ट कर पाओ। और इस टाइम पर आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हो मुझे। तो चलिए देख लेते हैं कि जनवरी मंथ में आपको और क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर है स्टैंड स्टील। तो इस टाइम पर जनवरी मंथ में आप जहाँ पर हो आप वहाँ पर ही रहोगे, आपको कोई अपने जगह से नहीं हिला पाएगा। आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, वो आप अचीव करके ही रहोगे, यानी सक्सेस आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि फेब्रुअरी मंथ में क्या आने वाला है आपके लाइफ में। तो यहाँ पर है टेकिंग रिस्क। तो इस टाइम पर यानी फेब्रुअरी मंथ में, फेब्रुअरी 2023 में आपको कोई एक रिस्क लेना पड़ सकता है किसी एक चीज़ में। लव लाइफ के साइड से हो सकता है, आपके करियर के साइड से भी हो सकता है। तो कोई एक रिस्क आपको इस टाइम पर लेना पड़ सकता है जिससे आपके लाइफ में हीलिंग आ सकती है। तो चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ के लिए क्या मैसेज आता है या फिर क्या मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हो मार्च मंथ में मैंने पहले ही बोला कि आपके पास एक ऑफर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो ज़रूर से ज़रूर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है मार्च मंथ में। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग आ गई है। ओवरऑल आपका ये जो थ्री मंथ्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव गुजरने वाला है। ओके, सो बाय।